सो लास्ट एपिसोड में आपने देखा किस तरह से अल्मोड़ा से ट्रैवल करते हुए हम वृद्ध जागेश्वर पहुंचते हैं, जो कि एक काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन है उत्तराखंड में। बट अवर होल जर्नी वॉज वेरी इंजॉयबल और सबसे ज़्यादा मज़ा आया था हमारी कोको द ट्रैवलर को। सो जर्नी इंजॉय करते करते फाइनली हम प्राचीन शिव मंदिर पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। उसके बाद हम निकलते हैं लंच के लिए, जहाँ कुछ देर बाद मोहित वहाँ जेपी को लेकर आता है। एंड कोको वॉज इन फुल मूड कि अपने से साइज में 10 गुने जेपी के साथ भी वो दो दो हाथ करे। अपनी कोको कुछ ऐसी ही है, फियरलेस। एनीवेज बाद में दोनों की दोस्ती भी हो जाती है और कोको और जेपी दोनों साथ में एक ट्रैक पर भी जाते हैं। बड़े इस व्लॉग में आप देखेंगे बारिश का सुहाना मौसम, हमारा पहाड़ी लंच और उत्तराखंड का एक स्पेशल फ्रूट यानी काफल। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। भाई बढ़िया दर्शन हो गए अंदर, और अंदर से दर्शन करके हम निकलेंगे, कुछ खाना वगैरह खाते हैं। यहाँ एक और पंडित जी मिल गए हैं। मैंने फ्लोर ऑन कर दिया, बाहर तो बढ़िया हवा चल रही है, अंदर आ जाएगी। ये देखो विराज कपूर, ऐसे हमारे घर में भी लग जाएगा तो मजा आएगा। आमाश मामाज बम्बालू, आ जाओ उसको, इनको बुला लो, इधर ही को बुला लो। खिड़की खोल के बता दो, नीचे चल रहा है, पीछे पीछे आओ। अंग्रेजों के जमाने का स्कूल है वो, सब तो कोने वाले हैं। एसी जैसी हवा चल रही है, देखो ना असली मजा तो यहाँ आ रहा है, जबरदस्त एसी वाली हवा फेंक रहा है। गाड़ी धुल गई अपनी भाई, नेचुरल रेन में जीते रहो, प्रणाम। गाड़ी धुल गई अपनी भाई नेचुरल रेन में, और ये टियागो भी आ गई है। जबरदस्त मौसम, बारिश बारिश हो गई है भाई, जबरदस्त लुक आ रहा है देखो टियागो और नेक्सॉन का। और कहाँ खड़ी है गाड़ी का सबसे, थाली में डाल दूंगा आप लोगों को खाने को, सबसे जो है आपका ये मतलब अलग टाइप का यूनिक फ्रूट जो मिलता है, अवेलेबल ओनली इन पहाड़ी इलाका मतलब उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा मिलता है, ये काफल बोलते हैं। और ये सीजनल फ्रूट है, इसका भी मतलब 15-20 दिन में आपको मिलना बंद हो जाएगा, और बहुत बढ़िया होता है। सो ये है काफल जो है, इसको खाओ आप इसके साथ, नमक के साथ ज़बरदस्त पीसे हुए नमक के साथ। सो ये है भाई उत्तराखंड का जो हम लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं, और ये अपनी गाड़ी खड़ी है। पूरी चने बहुत बढ़िया, सूखे चने, आलू के गुटके, काफल, भानु पिंकी लाई हुई, ऑलमोस्ट सब कुछ है। और ये नहीं नहीं सही हो रही, बढ़िया छोटा देवे कोको के लिए तो शेर है ये, देखेगी सब। अरे बहुत के सामने दे रहे हैं, किसको दे किसको दे, मैं खाऊंगी वो तुझे ये बे, अरे खा जाएगा तेरे को बेवकूफ, पंजे खींच जाएंगे आज नीचे वाले। और कैसा है
ये पहाड़ में दो तीन ही है। ये है भाई कोको जो भोगने की कोशिश कर रही है, और उधर देखो इतना बड़ा। क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या है? जेपी। हाँ जेपी 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 आगे खड़ा है। जेपी 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 बाबा तो भाई ये इतना बड़ा है ना। ये है भाई देखो हिमालयन ब्रीड, हिमालयन बोटिया वाली ब्रीड, और काफी बड़ा दिखता है। सो जेबी है इसका नाम, जेबी। इसके गले में आप देखेंगे तो जो आपका बाघ वगैरह होते हैं यहाँ पे, तेंदुए वगैरह घूमते हैं, उससे बचने के लिए इसके गले में ये बांध रखा है, ताकि अगर वो काटे भी तो उसके गले पे अटैक करे तो कोई लफड़ा ना हो। सो ये देख सकते हैं आप, नुकीला वाला इसके गले में बांट रखा है, घुरा रहा है मुझ पर। यहाँ पे इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, ऑलमोस्ट 7,000 फीट की हाइट पे है, और अभी आपका चल रहा है जून का महीना चल रहा है भाई, दिल्ली में इतनी गर्मी है और यहाँ भाई सब स्वेटर पहनने का गेम हो गया, स्वेटर स्वेटर जैसा हो गया, मतलब यस बिल्कुल ठंडा स्वर्ग जैसा है भाई, एसी चल रहा है नेचुरल। अपना स्वीट डिश क्या है ये? मैंगो फ्लोट। मैंगो फ्लोट ये हिमानी ने बनाया, हिमानी ने, बहुत बढ़िया है, टेस्ट है अच्छा बनाया तुमने, गुड बढ़िया। मामा मामा ले अब दोनों का साइज कंपैरिजन देखो अभी आप, क्या हुआ जब कोको मिली। ए काट देगा काट देगा, दूर रखना। साइज डिफरेंस देखो भैया आप, जेबी और कोको। जब तक तू मिला रहा है ना जेबी, ये खली है, ये द ग्रेट खली है, और ये मिस्टीरियो है, ग्रेट खली और मिस्टीरियो, ये ऐसे ऐसे थप्पड़ मारेगा इसको एक। काट देगा काट देगा, अचानक से काट दे तो लग जाएगी, खून निकल जाएगा। रे मिस्टीरियो वर्सेस द ग्रेट खली, द ग्रेट खली को गुस्सा आ गया। रे मिस्टीरियो वर्सेस ग्रेट खली, ग्रेट खली इज रेडी जेबी, और उधर है रे मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो कम ऑन, आजा लेके आओ लेके आओ लेके आओ, पागल हो गया, बस बस यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक लेके आओ। रे मिस्टीरियो द ग्रेट खली, छोटी लग रहा है वो बड़ी है। रे मिस्टीरियो को, रे मिस्टीरियो ये क्या चुटिया बना गया, ये तेरी चुटिया को खा जाएगा वो, उससे पंगा मत लेना, द ग्रेट खली से पंगा मत लेना। सर इसको फाड़ के दिखा दो, फाड़ के क्या बोलना है इसको, इसको क्या बोलना है सर को, इसको मेरे को तो दोनों प्यारे हैं सर, इसको इसको क्या करके क्या कर दो बोलो, द ग्रेट खली है ये सर, इसको सूंघ के चाट लो सर, इसको भौंक के उड़ा दो कोको। नहीं नहीं इसने दोस्ती करने की कोशिश करी पर ये भौंकी तब वो चिढ़ गया, वो इन्हें अपने से बड़े साइज के कुत्ते पसंद नहीं है किसको, उनको ना किसी को भी। अच्छा ना ये बड़ी साइज की होगी ना इससे ना, ये तभी चिल्ला दी, इससे बड़ा आता है ये तबाही मचा देता, छोटे आते घूमने लगा, छोटे छोटे है ना, ऐसा लग रहा है कॉल कर रखे हैं अभी इसके, इसकी देखो ऐसा लग रहा है प्रिंपिंग करके ला रहा है, इसके बाल वैसे भी लगते हैं।
बारिश में भीगी है नानू, बारिश में भीगी है मामू। इससे दोस्ती करना चाह रहा था। कौन? ड्रीम स्टूडियो से? द ग्रेट खली सर। हाँ चलते हैं, क्या करें सर, इनको अपनी पीठ में बिठा के दुनिया घुमा दो। ये है रे मिस्टीरियो, हमारी रे मिस्टीरियो वर्सेस द ग्रेट खली। ग्रेट खली उस तरफ खड़ा है सर, रे मिस्टीरियो। बट रे मिस्टीरियो गुस्सा बहुत है अभी, ग्रेट खली शांत वहाँ पे खड़ा हुआ है। भाई ग्रेट खली जा रहा है अब सर, बाय बाय। बाय बाय सर। ओए ये तो भाई रिंग में उतर के सीधे मारने आ गया था। रे मिस्टीरियो ग्रेट खली है, वो ग्रेट खली है, तू मत लड़ उससे। सर फूक मार के रे मिस्टीरियो को उड़ा दो। बैठो बैठो, तुम लोग गाड़ी में बैठो। ग्रेट खली को बाय बाय करो, टाटा कह लो, टाटा कह लो ग्रेट खली को। ग्रेट खली गोइंग नाउ रे मिस्टीरियो। हमारी कोको को ठंडा लग गया भाई, हम भी पैदल ही आ जाते हैं। चल मैं भी चलती तेरे साथ। सो गाइज आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग, जहां आपने कोको और जेपी द ग्रेट हिमालयन डॉग ब्रीड को देखा। एंड रे मिस्टीरियो एंड खली सर का रेफरेंस सिर्फ मजाक में था, सो कोई भी इसे प्लीज सीरियसली ना ले। एंड ये कंपैरिजन बस एक साइज डिफरेंस के लिए था, जैसे रे मिस्टीरियो और द ग्रेट खली में है। सो नेक्स्ट व्लॉग में घने जंगल से होते हुए हम गाड़ी को छोड़कर पैदल ट्रैक पर आगे निकलते हैं विद जेपी बाय आवर साइड। एज अगर कोई शेर चीता वगैरह भी आ गया तो एटलीस्ट जेपी भी हमारे साथ था। सो इन नेक्स्ट व्लॉग यू विल गेट टू सी अ ग्रेट ट्रैक एंड अ ग्रेट व्यू। सो व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बी सेफ, बी हैप्पी एंड कीप एंजॉइंग द इंडियन सेलर।